नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष इस एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का टेक न्यूज़ के स्पेशल एपिसोड में। और आज मैंने आपके लिए यहाँ पे बहुत सारी गर्मा गर्म टेक न्यूज़ है वो लेके आ गया हूँ। तो आज का जो वीडियो है वो आपको पूरा का पूरा बात करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी इंटरेस्टिंग से डिवाइस से रिलेटेड टेक न्यूज़ है वो आज की टेक न्यूज़ में मैंने शामिल की है। बहुत लंबी है वो आज की टेक न्यूज़ होने वाली है। आज की टेक न्यूज़ को शुरू करें उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि कल आपको दो तीन स्मार्टफोन के क्विक रिव्यू, जी हाँ दोस्तों, स्मार्टफोन है दो, एक दो स्मार्टफोन है, एक जो लैपटॉप है, उनके मैं आपको क्विक रिव्यू वो देने वाला हूं। आपको नया सेटअप देखने को मिलेगा और कुछ विशेष अंदाज में जो है कल का वीडियो आपको देखने को मिलेगा। तो कल आपको 3 बजे वो विशेष जो वीडियो होगा वो आपको मिल जाएगा, तो आप ज़रूर से उसका वेट करना और कंप्लीट आप उसको भी देखना। तो आज की टेक न्यूज़ अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आ जाती है तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर घूमते फिरते पहली बार पहुंच गए हैं तो नए मेहमानों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि चैनल के नीचे जो लाल लाल सब्सक्राइब वाला बटन दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर ही लो, और बगल में जो घंटी वाला बटन है उसको तो आप दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। उससे क्या होगा कि जब भी मैं फ्यूचर में कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप कोई भी वीडियो मिस नहीं कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों, आज की जो टेक न्यूज़ है इसको बिना देरी किए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों बात करें पहली अपडेट की, तो पहला अपडेट यहाँ पे निकल के आ रहा है Redmi की तरफ से, और Redmi का Note 7 जिसको कुछ दिनों पहले चाइना में ऑफिशियली लॉन्च कर दिया गया था, एक दो सेल भी उसकी आयोजित की जा चुकी है और बहुत सारे लोगों ने, चाइनीज जो लोग हैं उन्होंने Redmi Note 7 को खरीदा भी था। इंडिया में उसका जोरों शोरों से वेट हो रहा है, बहुत लोग इसका इंतजार कर रहे हैं। आज है वो Redmi ने एक ऑफिशियली टीजर जारी करके अपने ग्लोबल इवेंट के बारे में बताया है कि ये बहुत ही जल्दी जो ग्लोबल इवेंट है यानी कि ग्लोबल पूरे वर्ल्ड में आपको ये जो Redmi Note बने, वैसे Xiaomi के लिए चाइना के बाद में इंडिया ही होता है वो ग्लोबल मार्केट में, बाकी तो सब चुटकू मुटकू देश होते हैं, उनको वो कुछ नहीं समझता। तो यहाँ पे ये टीजर है वो Redmi ने जारी किया है, स्टे ट्यून्ड। जी हाँ दोस्तों, बताया है कि बहुत ही जल्दी जो है वो Redmi का Note 7 इंडिया में लॉन्च हो जाएगा, तो आप इसका बेसब्री से वेट करते रहिए। दोस्तों बात करें अगली खबर की, तो अगली खबर यहाँ पे निकल के आ रही है Google Pixel डिवाइसेज को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, कुछ दिनों से लीक से निकल के आ रही है कि Google अपने Pixel डिवाइसेज के जो लाइट वर्जन है वो लेके आएगा। तो आज जो Google Pixel 3 XL स्मार्टफोन है उसका जो लाइट वेरियंट है उसको Geekbench की वेबसाइट पर देखा गया है, और वहां से पता चलता है कि इसका जो नाम है वो Google Pixel 3 XL Lite ना होकर के Google Pixel 3a XL होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कुछ वहां पे नाम होने वाला है। बताया जा रहा है कि आपको वहां पे 6GB की जगह 4GB का है वो रैम देखने को मिलेगा। तो देखते हैं कि Google है वो अपने Pixel के इस लाइट वेरिएंट को कब तक मार्केट में लेके आता है, किस प्राइस के साथ में लेके आता है, किस स्मार्टफोन से ये टक्कर लेता है, ये तो हमें आने वाले समय में ही पता चलेगा। दोस्तों बात करें अगले अपडेट की, तो अगला अपडेट यहाँ पे निकल के आ रहा है कि Moto जो अपना G7 सीरीज लेके आएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे G7, G7 प्लस, G7 पावर और G7 प्ले, ये चार जो स्मार्टफोन है वो 2019 में Moto के द्वारा लॉन्च यानी कि Motorola के द्वारा लॉन्च किए जाएंगे। तो Moto G7 Plus की कुछ लीक्स है वो आज, कुछ अच्छे लाइव पिक्चर्स है वो G7 Plus के निकल के आए हैं। तो इनको ध्यान से देखने से पता चलता है कि आपको यहाँ पे एक रिंग माउंटेड मिलेगी रियर साइड में, वहाँ पे आपको ड्यूअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा, LED फ्लैश लाइट मिल जाएगी, और बैक पैनल में ही आपको फिंगरप्रिंट सेंसर है वो देखने को मिल जाएगा। आपको जो डिस्प्ले होगी, डिस्प्ले में वाटर ड्रॉप नोच है वो आपको देखने को मिल जाएगा। वैसे तो Motorola है ना, वो अपनी भाषा में इसे टीयर ड्रॉप नोच कहता है, Xiaomi की तरह आजकल Xiaomi भी से टीयर ड्रॉप नोच है वो कहने लग गया है। तो देखते हैं कि Motorola अपने Moto G7 Plus या यूं कहूंगा कि G7 सीरीज के चारों स्मार्टफोन को कितना जल्दी लेके आता है, MWC में लेके आता है, उससे पहले लेके आता है, बाद में लेके आता है, ये तो हमें आने वाले समय में ही पता चलेगा। दोस्तों बात करें अगली खबर की, तो अगली खबर यहाँ पे निकल के आ रही है Uber की तरफ से, और Uber के तो आप शायद से ग्राहक होंगे ही, उसके तो आप कस्टमर होंगे ही, बहुत सारे जो सिटीज में अगर आप ट्रेवल करते हो तो Uber कैब का यूज है वो तो आप करते ही होंगे। तो Uber ने आज है वो एक सूचना जारी करके ये बताया है कि वो बहुत सारे जो अपने यूजर्स हैं, अपनी सवारियाँ हैं, उनको ब्लॉक कर देगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप Uber के जो है यूजर्स हो और आप Uber कैब में ट्रेवलिंग करते समय अगर आप ड्राइवर के साथ में छेड़छाड़ करते हो, ड्राइवर को परेशान करते हो, या फिर जो गाड़ी है उसकी उसको आप क्षति पहुंचाने का प्रयास करते हो, या फिर कोई और कोई सवारी बैठी होती है तो आप उनके सामने बक 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 किए ही जाते हो, रुकते ही नहीं हो, ऐसी अगर कोई शिकायत है वो Uber के पास जाती है तो Uber है वो आपको डायरेक्टली ब्लॉक कर देगा, और आप भविष्य में कभी भी Uber कैब है वो बुक नहीं कर पाओगे। Uber का कहना है कि बहुत ही कम ऐसे लोग हैं, मुट्ठी भर लोग हैं, Uber का ये कहना है कि ये जो असामाजिक तत्व है होते हैं।
बहुत ही अच्छा फैसला यहाँ पे उबर ने लिया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या उबर अपनी क्विक सर्विस देने के लिए भी कोई जो कदम है वो उठाएगा या नहीं उठाएगा। बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं कि उबर है उसको कैब बुक किए हुए एक घंटा भी बीत जाता है, लेकिन टाइम पर जो है हमें कार नहीं मिलती है। अगर उबर इसके बारे में भी कुछ सोच ले तो मज़ा ही आ जाएगा। दोस्तों बात करें अगली खबर की, तो अगली खबर यहाँ पे निकल के आ रही है Xiaomi की तरफ से, और Xiaomi भैया अपनी मैक्स सीरीज के दो नए स्मार्टफोन है वो जल्दी ही लेके आएगा, और दोनों ही जो स्मार्टफोन है वो मिड रेंज या यूँ बोल सकते हैं कि बजट रेंज के स्मार्टफोन होने वाले हैं। Xiaomi Mi Max 4 और Xiaomi Mi Max 4 Pro इस नाम से ये दो स्मार्टफोन लेके आएंगे। Geekbench की वेबसाइट पे इनकी लिस्टिंग देखी गई है, तो वहाँ से इनके जो फीचर्स हैं उनका पता चलता है कि आपको Mi Max 4 Pro में 7.2 इंच की फुल HD प्लस आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी टीयर ड्रॉप नोच के साथ में। जी हाँ दोस्तों, यानी कि वाटर ड्रॉप वाली नोच है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। बताया जा रहा है कि आपको यहाँ पे 5500 mAh की बैटरी लाइफ है वो देखने को मिल जाएगी। 4 प्रो की बात कर रहा हूँ, 4 प्रो में आपको 5500 mAh की बैटरी लाइफ देखने को मिल जाएगी। ड्यूअल रियर कैमरा सेटअप आपको देखने को मिल जाएंगे, और हो सकता है आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी है वो देखने को मिल जाए। आपको बैक पैनल और फ्रंट पैनल दोनों ओर आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन है वो देखने को मिल जाएंगी, यानी कि काफ़ी पावरफुल है वो आपके Xiaomi के Mi Max 4 और 4 प्रो होने वाले हैं। अगर बात करें इसके स्टोरेज की, तो स्टोरेज आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है 4GB 64GB का, 6GB 64GB का और 6GB 128GB का। जी हाँ दोस्तों, ये तीन जो वेरिएंट है वो आपको Xiaomi Mi Max 4 Pro के देखने को मिल सकते हैं। Mi Mix में भी आपको 5000 के आसपास में बैटरी देखने को मिल सकती है। आपको ऑक्टा कोर का स्नैपड्रैगन का 660 ऑक्टा कोर प्रोसेसर है वो Mi Max 4 में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जो Mi Max 4 Pro है, बताइए जरा कि आपको वहाँ पे स्नैपड्रैगन का 670 वाला प्रोसेसर वो देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल ये सब लीक सी है, देखते हैं कि जो Xiaomi अपने Max 4 Pro और Max 4 को कब तक मार्केट में किन फीचर्स के साथ में, क्या ये फ्लेक्सिबल स्मार्टफोन होंगे या फिर होंगे मिड रेंज के स्मार्टफोन, तो ये तो हमें आने वाले समय में पता ही चल जाएगा। दोस्तों बात करें अगली खबर की, तो अगली खबर यहाँ पे निकल के आ रही है Huawei की तरफ से, और Huawei भैया अब Xiaomi की तरह स्मार्ट टीवी की दुनिया में भी कदम रखने वाला है। जी हाँ दोस्तों, कुछ रूमर से ऐसे निकल के आ रहे हैं और बताया जा रहा है कि Huawei और Huawei का सब ब्रांड जो ओनर है वो दोनों ही जो है वो टीवी स्मार्ट टीवी की दुनिया में कदम रखने वाले हैं। और जून 2019 की बात की गई है, तो हाँ जून 2019 से पहले है वो आपको Huawei का 65 इंच का जो टीवी है वो मार्केट में देखने को मिल जाएगा। आपको वहाँ पे 4K और 8K तक का रेजोल्यूशन भी देखने को मिल जाता है। प्राइस से रिलेटेड कोई भी फीचर सब भी सामने जो प्राइस से रिलेटेड लीक्स है वो अभी सामने निकल के नहीं आए हैं। हो सकता है आपको इनमें 5G का संस्करण भी देखने को मिल जाए। एंड्रॉइड बेस्ड ये टीवी होने वाले हैं, तो देखते हैं कि Huawei है वो कब तक अपना पहला स्मार्ट टीवी है वो लेके आता है और किस प्राइस में लेके आता है, ये तो हमें जून तक ही शायद पता चल पाएगा। दोस्तों बात करें अगली खबर की, तो अगली खबर यहाँ पे निकल के आ रही है Asus की तरफ से, और Asus ने भैया इंडिया में अपने तीन प्रीमियम लैपटॉप है वो लॉन्च कर दिए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे Asus Zenbook 13, Asus Zenbook 14 और Asus Zenbook 15 के नाम से यहाँ पे तीन जो लैपटॉप है अपने वो लॉन्च कर दिए हैं। काफ़ी स्लिम से ये लैपटॉप है, आपको यहाँ पे इंटेल की कोर i7 वाला प्रोसेसर मिल जाता है 8th जनरेशन का, यानी कि आपको काफ़ी लेटेस्ट, यानी कि आपको अभी तक का लेटेस्ट और पावरफुल जो प्रोसेसर है वो इन लैपटॉप्स में देखने को मिल जाता है। तीनों ही लैपटॉप में आपको 2GB का ग्राफिक्स कार्ड देखने को मिल जाता है, 1TB तक का आपको जो स्टोरेज है वो देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको 4, 6 और 8GB तक की रैम देखने को मिल जाती है। तो भैया यहाँ पे आपको फेसियल अनलॉक भी जो Asus Zenbook 13 है उसमें आपको देखने को मिल जाते हैं। मैं सोच रहा हूँ आपको कल के विशेष वीडियो में इसी लैपटॉप के बारे में भी आपको क्विक रिव्यू है वो वहाँ से दे दूँ। प्राइस इनकी जो स्टार्टिंग प्राइस है वो होती है 72,000 रुपये से, यहाँ पे जो समाप्त होती है वो है लगभग 1.5 लाख रुपये के आसपास में। तो कल की विशेष वीडियो का आप वेट करना, 3 बजे आपको वीडियो मिलेगी और वहाँ पर आपको इसका क्विक रिव्यू मिल ही जाएगा। दोस्तों बात करें अगली खबर की, तो अगली खबर यहाँ पे निकल के आ रही है गूगल की तरफ से, और गूगल की जो एंड्रॉयड क्यू आने वाला है उसकी जो रूमर्स है वो बहुत दिनों से निकल के आ रही है। तो यहाँ पे एक रूमर्स है वो स्ट्रॉन्ग सी कुछ निकल के आ रही है, और बताया जा रहा है कि 7 से 9 मई को गूगल का एक इवेंट आयोजित किया जाएगा, और उसमें शायद हो सकता है कि गूगल अपने क्यू एंड्रॉयड क्यू है इसको है वो लॉन्च कर दे। तो बताया जा रहा है कि गूगल का जो एंड्रॉयड क्यू आएगा उसमें आपको सिस्टम वाइज भी जो डार्क थीम है वो देखने को मिल जाएगी। अभी तक आपको
किसी भी मतलब सिस्टम में एंड्रॉयड की बात कर लो चाहे आईओएस की बात कर लो, किसी भी प्लेटफॉर्म में आपको सिस्टम थीम जो है वो डार्क मोड में देखने को नहीं मिलेगी। तो देखते हैं कि एंड्रॉयड जो क्यों आएगा, वो कौन कौन से नए फीचर्स के साथ में आएगा, कौन कौन से उनमें नए एप्स आएंगे, किस प्रकार के किस नई डिज़ाइन के साथ में उनके आइकन्स आएंगे, ये तो हमें शायद से मई जून के बाद में ही पता चल सकता है। दोस्तों बात करें अगली खबर की, तो अगली खबर यहाँ पे निकल के आ रही है Xiaomi की तरफ से, और Redmi का नोट 7 तो चाइना में लॉन्च हो ही चुका है। ग्लोबल इसको लॉन्च करने की जो प्रक्रिया है वो तेज़ी से आगे बढ़ रही है। तो भैया इसी बीच कुछ लीक्स निकल के आ रही है कि Redmi का नोट 7 प्रो है उस पर भी काम चल रहा है, और वो भी बहुत ही जल्दी हमें मार्केट में देखने को मिल सकता है। Redmi का गो है वो भी कल यूरोपीय मार्केट में लॉन्च हो ही गया है। तो अब Redmi Note 7 Pro ही बचा है, जिसको Note 7 लाइनअप के जो फोन है वो Redmi जिन्हें लॉन्च करना है, तो Note 7 Pro ही उनमें बचा है। तो बताया जा रहा है कि वहां पे जो 3GB रैम और इंटरनल 32GB स्टोरेज वाला जो वेरियंट है उसको जो है वो Note 7 Pro में जो Xiaomi इसको स्कीप कर सकता है, और आपको यहाँ पे 464, 664 या फिर 6128 वाले तीन वेरियंट आपको देखने को मिल सकते हैं। आपको 5000mAh की बैटरी देखने को मिल सकती है, और सोनी का IMX586 सेंसर वाला आपको 48MP का जो कैमरा है वो रियर साइड में देखने को मिल सकता है। आपको पंच होल वाली डिस्प्ले भी Redmi Note 7 Pro में देखने को मिल सकती है। ऐसी कुछ लीक्स और रूमर्स निकल के आ रहे हैं। तो देखते हैं कि फरवरी के लास्ट से पहले पहले जो Redmi है अपने Note 7 Pro को लॉन्च कर देता है या नहीं कर पाता है, हमें फरवरी लास्ट तक पता चल ही जाएगा। और यहाँ पे सैमसंग के एक एंट्री लेवल के स्मार्टफोन की Geekbench के वेबसाइट पे लिस्टिंग देखी गई है, तो वहाँ से पता चलता है, बताया जा रहा है कि सैमसंग का गैलेक्सी A10 ये स्मार्टफोन होने वाला है। हालांकि A20, A30 कई स्मार्टफोन है वो A सीरीज के आने वाले हैं, लेकिन A10 इस स्मार्टफोन को बताया जा रहा है। और बताया जा रहा है कि वहाँ पे आपको Exynos का 7885 वाला प्रोसेसर देखने को मिल सकता है, या फिर आपको जो अभी लेटेस्ट Exynos का 7904 वाला प्रोसेसर है वो वाला प्रोसेसर आपको इस फोन में देखने को मिल सकता है। बताया जा रहा है कि आपको वहां पे 2GB तक की रैम देखने को मिल सकती है, और एक तरह से सैमसंग की तरफ से ये एंट्री लेवल का स्मार्टफोन होने वाला है। तो आने के बाद में ही पता चलेगा कि सैमसंग जो गैलेक्सी A10 है वो एंट्री लेवल का होता है, मिड रेंज का स्मार्टफोन होता है, कि किन प्राइस के साथ में आएगा और किन फीचर्स के साथ में आएगा हमें आने वाले समय में ही पता चलेगा। दोस्तों बात करें अगली खबर की, तो अगली खबर यहाँ पे निकल के आ रही है इंटेल की तरफ से, और जहाँ दुनिया फोल्डिंग फोन पे काम कर रही है, फोल्डेबल फोन रट रही है, अब जो Xiaomi है, Xiaomi का जो फोल्डेबल फोन है वो दो साइड से फोल्ड होता है, यानी कि एक नई ही डिज़ाइन से वो फोल्ड होता है, लेकिन इंटेल है जो भैया बोल रहा है कि हमारा जो फोल्डेबल स्मार्टफोन आएगा वो तीन बार फोल्ड होगा। जी हाँ दोस्तों, वो आप देख सकते हैं कि इन फोटोज में कि जो इंटेल का जो नया स्मार्टफोन आएगा वो तीन बार फोल्ड होगा। और भैया इंटेल का कोई फोल्डेबल स्मार्टफोन आएगा तो काफ़ी यहाँ पर कमाल है वो करने वाला है। तो इंतज़ार इसी बात का है कि इंटेल है कब तक अपने फोल्डेबल स्मार्टफोन को मार्केट में लेके आता है, किस एग्रेसिव प्राइस के साथ में लेके आता है, किस किलर फीचर्स के साथ में लेके आता है, ये तो हमें आने वाले समय में पता चल ही जाएगा। दोस्तों बात करें अगली खबर की, तो अगली खबर यहाँ पे निकल के आ रही है Huawei की तरफ से, और Huawei की P सीरीज के तीन नए स्मार्टफोन आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अब तक दो की लीक्स आ रही थी, लेकिन आज तीन की लीक्स आ रही है, P30, P30 Lite और P30 Pro, ये तीन स्मार्टफोन Huawei के आ सकते हैं। तो P30 Lite का बैक केस है वो लीक हुआ है, तो उसको देखने से पता चलता है कि आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है वो P30 Lite में देखने को मिल सकते हैं। आपको वाटर ड्रॉप वाली नोच है वो डिस्प्ले में देखने को मिल सकती है P30 Lite में। आपको बैक पैनल में फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल सकता है, और 6 इंच की आपको डिस्प्ले साइज है वो P30 की देखने को मिल सकती है। इसके अलावा P30 और P30 Pro के भी जो ग्लास प्रोटेक्टर होते हैं वो सामने निकल के आए हैं। तो बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो बताया गया जा रहा है, हम देख ही सकते हैं कि P30 Lite से कहीं ज़्यादा यहाँ पे स्क्रीन साइज इसकी होने वाली है। तीनों ही स्मार्टफोन में आपको वाटर ड्रॉप नोच है वो देखने को मिल सकती है। अब इनके बैक पैनल में क्या क्या होगा वो तो अभी सामने नहीं आया है, जैसे ही कुछ लीक्स है वो और निकल के आएगी तो मैं सबसे पहले आपको अपग्रेडेड कर दूंगा। दोस्तों बात करें लास्ट अपडेट की, तो लास्ट अपडेट यहाँ पे निकल के आ रहा है LG की तरफ से, और LG अपना एक नया फ्लैगशिप स्मार्टफोन है वो लॉन्च करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। एक पेटेंट है वो LG के एक नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन का लीक हुआ है। जी हाँ दोस्तों, इस पेटेंट को ध्यान से देखने से पता चलता है कि आपको वाटर ड्रॉप वाली नोच वाली जो डिज़ाइन है वो डिस्प्ले में देखने को मिल जाएगी। हालांकि आपको जो बेजल्स है वो भरपूर मात्रा में देखने को मिल जाएंगे डिस्प्ले में। इसके अलावा बात करें बैक पैनल की, तो बैक पैनल में आपको ड्यूल रियर कैमरा सेटअप, फिंगरप्रिंट सेंसर और LED फ्लैश लाइट है वो दिखाई देती है। तो ये एक स्मार्टफोन है, यहाँ पर जो इसकी विड्थ है वो भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो देखते हैं
कि बताया तो अभी तक यही जा रहा है कि LG का G8 ThinQ ये स्मार्टफोन होने वाला है, जो कि एक फ्लेक्सिबल स्मार्टफोन होगा। MWC 2019 में साइज से इसको लॉन्च किया जा सकता है। वैसे एग्जैक्टली तो हमें तभी पता चलेगा जब जो LG है वो इसके बारे में कोई ऑफिशियली न्यूज़ हमें देगा या फिर इसे ऑफिशियली लॉन्च कर देगा। तो जैसे ही इसकी कुछ लीक्स है वो निकल के आएगी तो मैं आपको ज़रूर से अपग्रेडेड कर ही दूंगा। तो बस दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की टेक न्यूज आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर जो नए मेहमान है उनसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर जो नीचे लाल लाल सब्सक्राइब वाला बटन दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में जो घंटी वाला बटन है उसको तो आप दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई टेक न्यूज के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।